Hey guys, numerical problem में 13.1. How many electron pass through an electric bulb in 1 minute? If the current is actually 300 milliampere, the current is passing through it. ठीक है? So 300 milliampere current. So basically current आपको दिया हुआ है basically 300 milliampere. So इसको convert कर लेते हैं 300 10 to the power milli means minus 3. ठीक है guys? और time जो है basically वो आपको दिया हुआ है 60 seconds, that means के 60 seconds is equals to 1 minute. आपको basically seconds में answer चाहिए, ठीक है? So आपसे n पूछा जा रहा है और e जो है basically वो होता है 1.6 10 to the power minus 19 coulombs, ठीक है? So e जो है basically वो elementary charge है, elementary charge, ठीक है? Elementary charge जो है basically electron और आपको पता है proton का basically same charge होता है. ठीक है, सो होता क्या गाइस, अगर किसी कंडक्टर में बेसिकली क्यू चार्ज मौजूद है तो उस चार्ज को हम बेसिकली इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है तो मैं 10 ई लिख सकता हूँ, और अगर 20 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है तो 20 ई लिख सकता हूँ. दैट मीन्स के हर दफा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में दैट मीन्स के नंबर मल्टीप्लाई बाय इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैं ये लिख सकता हूँ हर दफा. ठीक है गाइस, तो हम इसको कहते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल, बिकॉज जो है चार्ज जो है हमेशा डिस्क्रीट नंबर में ही होता है. ठीक है, सो हमें यहाँ से एन निकालना है, तो हमने ये कह लिया कि क्यू जो है वो एन ई के बराबर है और आई जो है बेसिकली वो डेल क्यू अपॉन डेल टी के बराबर है. दैट मीन्स के नंबर ऑफ चार्जेस फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. ठीक है, सो हम यहाँ से एन ई निकाल देते हैं, इसकी जगह पर एन ई रख देते हैं और डेल टी. सो बेसिकली यहाँ से n की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ, तो n बराबर हो जाएगा i इंटू डेल टी डिवाइडेड बाय e. तो यहाँ वैल्यूज प्लग इन करके हम इसका आंसर निकाल लेते हैं. तो गाइज मैंने यहाँ वैल्यू प्लग इन कर दी है, 300 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 3 और मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 1.6 10 टू द पावर माइनस 19. तो नंबर्स को नंबर से सॉल्व करते हैं. सो ये हो गया 300 इंटू 60 इज 36 इंटू 18 18 एंड 3 जीरोस, ठीक है, 2 जीरोस एंड 1 जीरो, 3 जीरोस मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 3. सो 10 टू द पावर माइनस 3 ऊपर है, 10 टू द पावर माइनस जो बेसिकली 19 है वो ऊपर जाके प्लस 19 हो जाएगा. ठीक है, डिवाइडेड बाय 1.6. सो यहाँ से एक्सपोनेंट अलग कर लेते हैं, 1.8 एक्सपोनेंट हो गया 1, 2, 3, 4. सो 10 टू द पावर प्लस 4 माइनस 3 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 1.6. तो जब नंबर सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 1.12 मल्टीप्लाई बाय और 10 टू द पावर आपके पास आंसर आ गया 19 प्लस 4 इज 23, 23 में से 3 गए 20. ठीक है गाइस, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पास कर रहे हैं एक 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 बल्ब के थ्रू. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो करंट है बेसिकली बहुत हाई, इस वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की भी जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है. दैट्स इट.